बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह उम्मीद भी करता हूं और दुआ भी यही है आप लोगों के लिए कि सब ठीक ठाक रहें, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मेरी दुआ करें कि मैं ठीक ठाक रहूंगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह मज़े मज़े के शोज़ जो हैं वो होते रहेंगे, और जो हमारे ज़बरदस्त टैलेंट है पाकिस्तान का, हम उसको यहाँ पर लाते रहेंगे। शो जब शुरू हुआ और यहाँ पर बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि यार ये शो तो हम 20-25 एपिसोड करेंगे और एक्टर्स तो ख़त्म हो जाएंगे पाकिस्तान में, क्या करेंगे हम? तो मैं इनको कहता था नहीं, आप देखेंगे इंशाल्लाह इसके हम 500 से भी ज़्यादा शोज़ कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे वो किसी भी शोबे में है, बस उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी चीज़ को आगे लेकर के आना, उजागर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजली बड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है जब हम वायरल वीडियोज़, न्यूज़ कुछ भी लगाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार हम लोग इतनी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, हम लोग अच्छी अच्छी सोच रखते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी की कमी है कहीं पे। मुझे ऐसा लगता है, मैं एक दो वीडियोस मैंने देखी जहाँ पे ख़वातीन के साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा था, किसी लॉयर ने, बल्कि एक लॉयर ने, दो लॉयर से जो लड़की को मार रहे थे, यार मुझे यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान, आई स्वेयर मैंने वो वीडियो दोबारा से लगा के देखा कि ये पाकिस्तान है। फिर मैंने एक और वीडियो देखा, उस पर सड़क पे कोई खातून जो है वो एक बदतमीज़ी कर रही है किसी शख्स के साथ, आदमी को माँ बहन की गालियाँ दे रही हैं और गंदी गंदी और बहुत लाइक अनबेरेबल, आई कांट इवन से दैट। ये ताल्लुक ऐसे, मैं चाहता हूँ स्क्रीन के थ्रू हम ये बात ज़रूर करें। आई कुड नॉट सी दैट एंड आई जस्ट चेक, इज इट, इज दिस पाकिस्तान, व्हाट्स हैपनिंग? फाइन, हम लोग और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हम लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं लोगों को, ट्रोलिंग भी करते हैं, किसी ऐसी बात पर शुरू हो जाएंगे जो हमें नुकसान ना पहुंचा रही हो, लेकिन असल बात है आपके एथिक्स, आपकी मॉरल्स, आपकी वैल्यूज़ कितनी इम्पॉर्टेंट हैं यार। अब हम सबको ये बात करनी है एक दूसरे से, अच्छाई की बात करनी है, और अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे एक शख्स के अच्छे कहने से क्या होगा या आपके एक शख्स के अच्छे कहने से क्या होगा, तो ये भी गलत सोच है, हम सबको करना है और अच्छा ही करना है। अच्छा जनाब, जब अच्छाई की ऑब्वियसली बात करता हूँ और अपने टैलेंट की बात करता हूँ, तो पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ टैलेंट किसी भी फील्ड में, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारा फोकस जो है वो मोस्टली एक्टर्स और कुछ सिंगर्स, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यहाँ पे और तरह के दूसरे शोबों के लोग हैं, स्पोर्ट्स पीपल, उनको भी हम लेकर के आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बहुत से अभी दोस्त मेरे बाकी हैं इस फील्ड के, बहुत से लोग बाकी हैं इस फील्ड के, अमेजिंग स्टार्स जिनको मैं समझता हूँ तमाम सुपर स्टार्स हैं, यंग, जूनियर, सीनियर्स, ओल्ड, आज के इस दौर के, पुराने दौर के, उससे पहले दौर के, कुछ सिंगर्स, बेशुमार सिंगर्स, यानी वी हैव सो मैनी पीपल, और सबको आपसे मिलवाने का वादा है इंशाल्लाह। तो आज की भी एपिसोड में आपके मेरे बहुत से फेवरेट लोग हैं, तो बगैर वीडियो या बगैर कुछ क्लिप देखे हम उनको दावत देंगे। तो सबसे पहली हमारी मेहमान है मेरी, आपकी, हम सबकी बहुत फेवरेट, सवेरा नदीम। बैठ जाइए। क्या हुआ, थोड़ा सोच रही हैं कि क्या करना? मैंने कहा कि वो नहीं, कुछ क्या प्रोटोकॉल होती है मिलने की, फॉर्मल के इनफॉर्मल, ऐसे जैसे आपका दिल करता है। कैसी हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं थोड़ा सा फॉर्मल वैसे हूँ नहीं आपके साथ, जी जी, लेकिन इसलिए हो रहा हूँ कि एक तो बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। साल साल, काफी साल, कि आई थिंक आई वर्क विद यू 10 years बैक, राइट? आई थिंक नॉट लेस देन दैट। तो वो मुझे याद है खावर का सीन, मरी गए थे, मरी में मैं शूट किया था, और मुझे आज भी याद है वो एक सीन था जिसमें मैं पानी में गिर के डूब जाता हूँ, जो हीरो, तो हम सोच रहे ये सीन, अब खावर साहब कह रहे हैं जाके पानी में खड़े हो जाओ वहाँ पे, मैंने कहा खावर साहब मैं तो नहीं जाऊँगा यार, आप कुछ और कर रहे हैं। फिर मुझे याद कैसे दिखाया था उन्होंने, ये किया था कि इट वॉज योर फेस, योर एक्सप्रेशन, और मैं मेरा इतना क्लोजअप था और मैं कहीं ऐसे बस एक्ट किया गिरने का, और फिर एक चादर उन्होंने फेंकी जो पानी में जा रही थी, एंड यू वर लाइक के चला गया है, इट वाज लाइक दैट, यू रिमेंबर दैट नाउ? लेकिन वो सीन बड़ा अच्छा, स्क्रीन पे बड़ा अच्छा लगा, लोगों को बड़ा अच्छा लगा।
अच्छा कम कम नजर आ रही है. ऑब्वियसली यू आर बिजी विद फैमिली, यू हैव टू माशाल्लाह बॉयज नाउ, तो सब खैरियत है? बहुत अच्छा है. कितनी हमारी अच्छी एक्ट्रेस, यू नो दैट यू आर सच अ वंडरफुल एक्टर माशाल्लाह, एंड वी लव वॉचिंग यू ऑन टीवी. एंड जब भी कोई ऐसा प्ले जिसमें सवेरा होती है तो लोग जरा बैठ जाते हैं तैयार होकर, लो जी सवेरा नदीम आ गई है, तो कुछ तो चक्कर होगा इस प्ले. बहुत टेंशन हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बढ़ जाती है ना. मैंने तो, आप यकीन करें ये बात ऐसी डेंजरस है कि वैसे मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, यू शुड स्पीक मोर. आई एम वेटिंग फॉर अ चांस टू गेट इट. या बट ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि आम सा काम भी कर देना चाहिए साथ ही. मैं तो जब एक कोई खास हो जाए ना अगर, तो मैं फौरन एक आम सा काम करता हूं. क्या लोग ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करने लगे, देखो ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है. अभी हमें बहुत काम करना है ना, फिर खास खास भी करेंगे तो साल साल बैठ जाएंगे. इस टेंशन में लगे फिर मैंने ये सोच छोड़ दी थी. मैंने कहा खुद इंसान अच्छा काम अपनी तरफ से करे, आगे फिर अल्लाह की मर्जी है और यू नो व्यूअर्स की मर्जी है. वो किसी चीज को जो इतनी हम अच्छी नहीं समझ रहे उसको कहां से कहां पे उठा के रख देते हैं विद द व्यूअरशिप. बिल्कुल सही है जनाब. अच्छा एक और हमारी गेस्ट हैं, आपकी दोस्त है, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं और बड़ी प्यारी हैं और नजर आती रहती हैं, कभी नहीं नजर आती, कभी नजर आती, कभी आती, कभी नहीं नजर आती. बट शी इज अ स्वीट हार्ट, शी इज अ वंडरफुल पर्सन आल्सो एंड शी इज अ वंडरफुल वेरी वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस. प्लीज वेलकम अर्जुमन रहीम. बहुत सारी चीजें होती रही अभी इस वक्त कराची में. तो कराची बियनाले अभी हुआ, इट हैपेंस एवरी टू इयर्स ऑब्वियसली, एंड फैंटास्टिक लाइनअप ऑफ आर्टिस्ट्स, एंड आई वाज ऑन द ज्यूरी फॉर दैट, फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स आइटम्स. तो बहुत ही कमाल का काम देखने को मिला, लोकल भी इंटरनेशनल भी, और अभी चल रहा है 12 नवंबर तक वो चलेगा. और 12 नवंबर को बल्कि परफॉर्मेंस आर्ट्स वाले जो अवार्ड्स हैं वो अनाउंस होंगे. स्पीकर्स भी हैं उसके अंदर ना, बहुत मज़ेदार, बेहद मज़ेदार टॉक्स हैं. बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, जर्मनी से, फ्रांस से, इंग्लैंड से. पानी की आलूदगी है, हवा की आलूदगी है, हमें अब कंजर्वेशन की तरफ आना है. सो वी आर लेट, बिल्कुल. सो गेटिंग यू नो यूजिंग आर्ट एंड परफॉर्मेंस आर्ट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, sometimes it becomes easier for people to understand, like लोगों के लिए समझने के लिए शायद कुछ आसानी. या देखें ना, आप डायरेक्टली दिल को जाके अफेक्ट करते हैं जब आप आर्ट या किसी डांस फॉर्म या किसी म्यूजिक फॉर्म के थ्रू जाते हैं, बजाय कि आप एक बोरिंग सा लेक्चर किसी को दें कि कल से तुम ये मत करो और वो मत करो. तो यू नो ये एक बड़े प्यार से, एक बड़े खूबसूरती से आप लोगों को सिखा भी रहे हैं और पार्टिसिपेशन हो रही है लोगों की. बच्चे भी जा सकते हैं? बिल्कुल बच्चे भी जा सकते हैं, बच्चे बहुत बच्चे आए हैं, आर्ट स्कूल्स के बहुत बच्चे आए हैं. So it's really been an amazing, I would say, after a long time, बहुत अरसे बाद, you know, एक मज़ेदार artistic environment कराची में. कराची जैसा शहर जहाँ हम public में, outdoor spaces में, एक तो हम claim नहीं कर रहे उनको, और फिर art का वहाँ होना और youth का वहाँ आना और हर किस्म के लोगों का आना. मतलब एक तो होता है काम बराए काम बस लोग करते हैं, मतलब बहुत से एक्टर्स, सब लोग अपनी अपनी तरह के अपनी अपनी डिफरेंट अप्रोच लेके आते हैं, उनकी अपना एक फोकस और गोल होता है. बट कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं कि मतलब वो किसी चीज़, किसी इशू को छेड़ें, कोई बात करें लोगों से, किसी वजह से काम करें. तो ये बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल. वुड यू एग्री कि किसी इशू को टच करना अपने काम के ज़रिए, एक लोगों की कुछ तालीम दे देना या कुछ बात कहना. That is what art is. Yes, वो ही जाता है. अच्छा अभी दुनिया भर में तो ऐसे ही होता है कि आर्ट्स या चाहे टेलीविजन हो, फिल्म से माइंडसेट भी चेंज किया जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. और मैंने ये यहाँ भी होते हुए देखा है, बल्कि एसन आपने एक ड्रामा किया था आज से मेरे को 1.5-2 साल पहले, उड़ारी, जिसमें द कैरेक्टर दैट यू प्लेड वाज एक्चुअली एक नेगेटिव कैरेक्टर था. लेकिन वो दिखाना बड़ा जरूरी है कि ये चीजें भी दरिंदे इस किस्म के लोग एग्जिस्ट करते हैं, और फिर आप इसी तरह लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं ना. मतलब उसके बाद एक डिस्कशन शुरू होती है जो उससे पहले कभी नहीं होती. हां एक खुली डिबेट. हां हूं भी, आई एम स्टिल वर्किंग फॉर दैट, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. और क्योंकि उसने ही मुझे थोड़ा झंझोड़ा कि भाई कितना इम्पैक्ट हुआ उस ड्रामे मेरी अपनी ज़ात पे हुआ. और यकीनन आप लोगों में भी होता होगा. बिल्कुल. और वो बड़ा जरूरी है इम्पैक्ट. यू ऑल्सो डन समथिंग
कि ऐसा सोच समझ के कि मुझे बल्कि याद है पीटीवी के टाइम में यू डिड अ सीरियल जो कि ड्रग्स के ऊपर था, याद है देखा मैंने वो That was a real fan type. Sabera ने तो बहुत theatre भी किया है ना, और जब theatre में वो वाला that was very I feel theatre की भी बड़ी एक reach है, और लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेलीविजन की रीच है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है ना, तो इसलिए मैं टेलीविजन की बात, क्योंकि हमारा शो भी टेलीविजन पे, तो उसका एक अलग ही व्यूअरशिप है. डू यू चूज स्क्रिप्ट ये सोच के कि यार इसमें कुछ है कहने को? हाँ ऑब्वियसली, अभी पिछले साल जो प्ले किया था मैंने, हैवान नाम था, वो भी इसी तरह बच्चों की प्रेडेटर्स एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन वगैरह के ऊपर, तो थोड़ा वो हो जाते हैं, इट गेट्स अ बिट इंटेंस एंड आप सोचते हैं इज इट टू ओवर द टॉप, इज इट टू मच, कुछ ज्यादा तो नहीं हम कर रहे हैं. बड़ा अच्छा सीन. बट देन यू फील के चलो ये भी एक वेव, एक सप्रेशन का वेव जब आया था तो एक ओवर एक्सपोजर का वेव भी आना चाहिए, जिसमें बहुत सारी बातें हम जब कर्टेल बहुत किया गया था और सेंसरशिप बहुत ही 80s के दिहाई में, तो बहुत कमाल का काम भी हुआ है उस दौरान. और जरूरी नहीं कि सिर्फ इशू ही हो, आप एक एंटरटेनमेंट के तौर पर देखते हैं तो उसमें भी एक बिल्कुल अच्छी चीज होनी चाहिए. जैसे रोमांस हो गया, रोमांस की अक्कासी जो की गई 80 की दिहाई में भी, मुझे तो बल्कि वो बहुत बेहद रोमांटिक लगते हैं ड्रामे. अभी आज भी आप देखें तो मतलब कोई एक्सपोजर नहीं है. तन्हाइयां बहुत ही रोमांटिक ड्रामा था. धूप किनारे कितना रोमांटिक ड्रामा था, यू नो. सो उसमें जो रोमांस दिखा, अनकही, यू नो, ये सब ड्रामों में और बहुत सटल होते थे. मुझे लगता है आजकल प्लेस आजकल हम दिखा जाते रहे लेकिन वो इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट हो रहा, बल्कि मतलब डेप्थ नहीं रही ना, रोमांस की डेप्थ नहीं है. एक्चुअली वो देख इतना लिया हुआ है कि अब जो एक छोटी सी रोमांस की बात होती है वो लगता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है. नहीं लेकिन आप अभी भी वो ड्रामे उठा के देखें तो यू फील दैट मे बी वाज द होल यू नो द आइडिया, द राइटर, द म्यूजिक, द एक्टर्स, सो एवरीथिंग वाज जेलिंग इन एंड म्यूजिक वाज यूज्ड वेरी वेरी क्रिएटिवली. बहुत ज्यादा नहीं होता था, साइलेंट मोमेंट्स बहुत होते थे जिसमें कोई म्यूजिक नहीं होता था, सिर्फ खामोशी या बातें थोड़ी बहुत, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है. म्यूजिक का ऑफकोर्स एक्टिंग को एनहांस म्यूजिक कर देता है. अच्छा फैमिली की चलें बात करते हैं. फैमिली में माशाल्लाह कितने साल हो गए शादी को? 9 साल हो गए. ओह 9 इयर्स. आई नो, मुझे लगता है कब मुलाकात हुई हमारी ऐसा. बस मेरी मुलाकात के बाद शादी होगी सर. 10-11 साल पहले. अच्छा ओके 9 इयर्स एंड 2 किड्स. हाउ ओल्ड आर दे? 7 and 4. Grown up, मतलब proper बच्चे. I wouldn't consider them grown up, but you know what? Because I have 3 kids, right? तो मैं इनको consider पता ही कर रहा grown up, क्योंकि वो जो 2-3 महीने का बच्चा होता है ना यार, उसको तो पकड़ते मुझे तो डर लग रहा था कि इसको क्या. तो वो जब 2 साल के वाली बात की थी, वो बड़ी तसल्ली बख्श है. आप भाई जवाब देने लगे हैं, हम तो बहुत तेज हो. अच्छा and ये तो मुझे I have to say that ये फ्रीज हो चुकी है. She doesn't change. Yeah, I know she Savera, am I right? Be honest. She doesn't change at all. You know, when I look in the mirror, मैं आईने में कोई और इंसान अब देखती हूँ आज से, obviously 10 साल पहले. वो तो तुम अपने आप को देखती हो. अब हम जरा overly, but we think you have like sort of frozen. क्या है? Well, I can live with that. I hope it lasts. राज बता दो अर्जुन, राज बता दो. क्या राज हो सकता है यार? मैं तो I just feel, you know, I think staying happy and being a happy person is a very important thing. Are you trying to say we both are not happy? Yeah. Because we're married and we're not happy. Well, I don't put words in my mouth. Okay. Maine kuch nahi kaha. Okay. But I think khush rehna jo ki aap log hain, you know. I think you're also very hopeful. You have this kind of things are going to be okay. We can do something about it. I do hope, you know. Halanki is waqt halaat kuch nahi hain, bahut sari cheezon ke liye ke lihaz se agar hum dekhen to bahut behtri ki requirement hai. Kis tarah politically you think, politically instability और इकोनॉमिक्स ये सब जी कुछ ये सारी चीज़ें, एक पॉलिटिकली भी इकोनॉमिकली भी इस वक्त मुल्क के लोग जरा से डिस्पोंडेंट हैं. आई थिंक अ लॉट मोर नीड्स टू हैपन एंड सम बिग डिसीजंस नीड टू बी मेड एंड सम बिग अनाउंसमेंट्स नीड टू बी मेड टू ब्रिंग होप बैक इनटू पीपल. वी नीड टू क्रिएट मोर जॉब्स. इस वक्त है जॉबलेसनेस, इकोनॉमिक क्राइसिस है, मानने वाली बात है. सो अ लॉट ऑफ पीपल हमारे मीडिया में कितने लोगों की हाल ही में नौकरियां गई, तो ये भी बहुत जरूरी बात है. सो ये बिल्कुल सही है, और परेशानी होनी भी चाहिए किसी भी सोचने समझने वाले इंसान को. परेशानी होती सवेरा काम, पहला क्या काम था जिंदगी का एक्टिंग में? थिएटर. और टीवी का पहला क्या था? टीवी का उसके 2 साल बाद ही मैंने शुरू कर दिया था. पीटीवी था, पीटीवी का सीरियल. किसके साथ था?
कंबर अली शाह एक प्रोड्यूसर थे और ज़ुबैदा खातून की नॉवल पे था, किरण नाम था ड्रामे का, एंड आई वाज किरण. Okay. So, was it like an instant hit or something? Well, I think it was people liked it because of me. कि मैं जरा अलग ही शकल की लंबी सी एक लड़की अचानक आ गई थी टीवी में, तो that's why they watched it. वैसे, I mean, it was okay. उस AR खातून और ज़ुबैदा खातून के बहुत सारे बने हुए और रुसा वगैरह ऐसे ड्रामे बहुत बने थे. So, वो ज़्यादा अच्छे बने थे. This was okay. But still, it was good for me. अपने करियर का जो लगता है कि ये मेरा फेवरेट ड्रामा मैंने किया, वो कौन सा? लेकिन फेस फ्रोजन था, लेकिन पीछे बहुत कुछ चल रहा था और वो किसी तरह बाहर आ गया था. आई डोंट नो कैसे हुआ था, मैंने कोई ऐसी मेहनत उसमें नहीं की थी, वो खुद ही कुछ हो गया था. वही होता है जब आप एक कैरेक्टर को, एंड यू नो दिस इज गुड एक्टिंग, यू नो बाय द वे, आप कैरेक्टर को जब समझ लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, एंड यू आइडेंटिफाई कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं, अब आपको अंदर आ गया है. सो बजाय कि आप एक्सप्रेशन दें टू यू नो टू ब्रिंग दैट कैरेक्टर, वो खुद अंदर से वो आंखों में एक्सप्रेशन आ जाता है, आ जाता है वहां पे, व्हिच इज एक्चुअली गुड एक्टिंग, बिकॉज़ देन यू आर नॉट एक्टिंग, यू आर बीइंग द कैरेक्टर. बहुत ज्यादा मेहनत करो और एफर्ट करो तो इट डजंट कम अक्रॉस. पर उसके लिए मेहनत और बहुत, लेकिन फिर वही एक्टर के साथ डायरेक्टर का लाइंस का सबका साथ देना बड़ा जरूरी होता है. वो बस यो पहला काम, माय पहला काम वाज आल्सो थिएटर, और मेरा तो गूंगी लड़की का रोल था. सवेरा की तो फिर एक लाइन थी, सवेरा की तो फिर एक लाइन थी यार. मेरी गूंगी लड़की का क्या कहता, जिसमें डांस भी इन्वॉल्व था, क्योंकि मैं डांस करती हूं. बिकॉज़ यू डांस मतलब सो वेल एंड सीखा हुआ बाकायदा, मैं सीख रही थी उस जमाने में. सो समबडी सॉ मी, एंड वो कैरेक्टर था ही एक ऐसी लड़की जो जिसने डांस करके दिखाना था कि उसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है, और वो गूंगी थी. तो उन्होंने कहा कि आप कर लें, आप बिल्कुल ठीक रहेंगी. सो आई डिड दैट, एंड देन वन थिंग लेड टू द अदर. फिर उसके बाद मैं थिएटर ही करती रही, ठीक है, और डांस भी सीखती रही. डांस सीखा कहाँ से, किन से सीखा? शुरुआत निघे चौधरी के साथ थी, उनके साथ कई साल कराची में सीखा, फिर नाहिद सिद्दीकी से सीखा, ठीक है, फिर मैं इंडिया चली गई, फिर वहाँ पंडित मिर्जू महाराज जी से सीखा, और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद मुझे लगा कि आई हैड माय फिल, और जितना मेरा शौक था और जितना मैं करना चाह रही थी, क्योंकि बेहद बेहद मुश्किल काम है डांस करना और उसको मेंटेन करना, नहीं किया उसको एज अ, तो फिर मतलब मैंने नहीं किया, 7-8 साल मैंने अभी करती किया, हो? अब मैं नहीं करती, ठीक है, बिल्कुल. घर में भी कभी, अकेले में भी नहीं, यू नो ये वो वाली चीज नहीं है. लोग समझते हैं कि शायद आप कर सकते हैं कभी कभार, ये वो कभी कभार वाला काम नहीं है, ये कांस्टेंट एक रेगुलर करना पड़ता है. किसी भी और सही जो भी आप चीज अपनाते हैं उसके लिए रेगुलर, आई थिंक म्यूजिक, इफ यू वांट टू बी अ क्लासिकल म्यूजिशियन और इफ यू वांट टू बी अ क्लासिकल डांसर, एंड इफ यू इवन इफ यू वांट टू बी मीडियोकर, बट इतना कि आप कभी कभार कुछ कर रहे हैं, आपको फिर भी डेली 2 घंटे तो देना ही देना है. तो ये बड़ा डिसिप्लिन रिक्वायर करता है और बहुत कमिटमेंट रिक्वायर करता है. जो जब आप एक दफ़ा टेलीविजन एक्टिंग की तरफ आ जाए ना, तो आप फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के, आपके पास वक्त ही नहीं रहता कुछ और करने का. मुझे याद है तुम्हें बहुत खुशी मिलती थी. Savera, you also learned dancing? It's the real thing. At all? कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं नहीं, इंटरेस्ट था, टाइम नहीं, अब क्या क्या करें. बचपन में ज़्यादा टाइम ज़्यादा होता है, बचपन में, और स्पेशली घर में जब एक आर्ट का एक मुकाम का माहौल भी हो, घर में ही, मतलब आई डिड लाइक मूवमेंट की, यू नो, वर्कशॉप्स एंड थिंग्स जो थिएटर में आपको हेल्प करती हैं चीजें, बिकॉज़ हमारे थिएटर में बहुत मूवमेंट इन्वॉल्व होती थी, बहुत स्टाइलाइज्ड होता था. एक्टिंग की कोई कहीं से, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस की वर्कशॉप्स यहीं पे, जो इंडिया में भी, ठीक है, इंडिया में वर्कशॉप. सो इंस्पिरेशन कौन है एक्टिंग में? सारी जो फीमेल एक्टर्स आई फील स्टार्टिंग आउट पाकिस्तान में, सबकी एक रूही बानो जरूर एक फेवरेट होती थी. तो आई यूज टू वॉच उनके कुछ प्ले, अगर पुराना लगा हो कि वो हाथों को कैसे इस्तेमाल करती थी, वो इतनी स्टिल रहती थी और उनके अंदर ये थी चीज कि बहुत कुछ कह देती थी विदाउट सेइंग एनीथिंग. She used to be lost in what she's doing. So, वो वाली चीज़. Okay, एक रूही बान होगी. और क्या लगता है कि कोई बहुत जबरदस्त एक परफॉर्मर होती थी जिनको देख के बड़ा दिल करता था कि उनको रुक के बस देखते रहे. रुक के देखते रहे. उस्मा गिलानी. उस्मा गिलानी. मैं I was waiting for this name. मैंने कहा सारे लोग उनका नाम लेते हैं तो मैं कोई नया नाम निकाल के लाऊं, लेकिन कोई आ नहीं रहा. सायरा काज़मी. I like. क्योंकि मुझे लोग compare करते थे उनसे. तो फिर मैं उनको और ज़्यादा गौर से देखती. Because she's also like tall and long hair. She had the long straight hair. Okay. Okay. What about you?
You know, I was just thinking about that, कि शायद ये सवाल मुझसे भी पूछा जाए तो मैं जल्दी क्या जवाब दूँ। ज़्यादा टाइम मिल गया सोचने का। पांच एक मिनट मिल गए अंजुमन को। लेकिन honestly speaking, मैं याद करने की कोशिश करती और मुझे नहीं याद कि कोई एक या दो या तीन Of course, उस जमाने में भी really looked up to icons तो थे मरीना खान को मैं बहुत natural हमेशा समझती थी खालदा रियासत was another person who I thought was very spontaneous and something different तो वो लाइन कहीं और से आती थी या उनकी डिलीवरी उनकी यू नो प्रेडिक्टेबल नहीं होती थी कि अब ये हो जाएगा और यूं ही करेंगे यू नो कि अच्छा आगे से एक फलाना she would break it so these people were inspiring but I can't say कि मैं एक्ट्रेस बनना चाह रही थी या एक्टर बनना चाह रही थी किसी को भी देख के मुझे आई थिंक वहाँ से शौक ज्यादा बना कि जब पहली दफा काम किया दूसरी दफा किया तो उस माहौल में जब मैं गई तो मुझे लगा मैं तो घर आ गई हूँ यू नो यू फेल्ट कि ये मेरी जगह है मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल यहाँ हूँ और मैं बहुत मुझे मजा आ रहा है चाहे अच्छा थिएटर खासतौर पर और टेलीविजन में भी ये होता है आपको बड़े मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है सो एक पूरी क्रॉस सेक्शन ऑफ आपकी जॉब कभी भी बोरिंग नहीं होती It's not the same office. आपका दफ्तर बदलता रहता है. Not the same people. Not the same people. आपके लोग बदलते रहते हैं. आपके seniors बदल जाते हैं. आपके juniors बदल जाते हैं. लेकिन makeup room की gossip वही रहता है. But वो भी, you know, so एक variety and all of that. So मैं मुझे तो लगा कि ये experience करने के बाद कि मैं कभी कोई desk job या bank में काम नहीं कर सकती ना. मैं कैसे करूँगी? हाँ. After this wonderful space जहाँ पे हम गा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं. डायलॉग बाजी इमोशन में कौन इंस्पिरेशन था डांस देख देख के किसका मतलब है कि मैं ऐसा करूं यू नो एंड आई विल टेक यू नो मदीहा गौहर जी का नाम यहां पे बिकॉज उनका एक बड़ा फेमस ड्रामा था जो मैंने शायद देखा था जब मैं 13-14 साल की थी एक थी नानी शी डायरेक्टेड दिस ड्रामा एंड उसमें उस ड्रामे की का जो पूरा प्लॉट था वो था ही ये कि एक लड़की है जो लाहौर में रहती है और उसकी एक नानी जो है वो लाहौर में रहती है और वो एक रहती है इंडिया में और उसको डांस करने का बहुत शौक है वो सीखना चाहती है और जो उसकी पाकिस्तानी I did that character. समिया ने शुरू में मैंने समिया वाला देखा समिया मुमताज प्लेड दैट कैरेक्टर सो व्हेन आई सॉ दैट इट जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ यू नो थिंग्स दैट आई वाज मिसिंग तो वो क्या बार बार प्ले थिएटर में होता था वो बहुत कई दफा बहुत दफा हम इंडिया लेके गए थे उसे और फेस्टिवल्स अच्छा अभी का काम आजकल जो काम हो रहा है लाइक अभी हैवान बहुत पुराना प्ले ही बड़ा अच्छा प्ले और भी बहुत से अच्छे प्लेस किए अच्छा काम अच्छा हो रहा है यू लाइक द स्क्रिप्ट्स दैट कम टू यू और यू बिकम अ लिटिल चूजी कि नहीं आ रही है नहीं नहीं स्क्रिप्ट में मैं अक्सर चूजी होती ठीक है दैट बिकॉज़ वही तो आपका फाउंडेशन है चूज लाइक क्या मतलब कि अपना कैरेक्टर बड़ा हो या अपने कैरेक्टर में कुछ कहने को हो क्या देखते हो आई हैव टू सी कि कहानी किस किस मौजू पे किन लोगों के ऊपर है ठीक है सो आई हैव टू बी वन ऑफ द people that it revolves around when I don't feel that it's worth my while doing it being very honest sahi sahi acha janab gapshap hamari jari kyunki wo mere producer jo hai na wo mujhe batate hain ki कसम से जब बोलते हैं ना कि अगला सेगमेंट फिर मुझे याद आता है मैं तो इतनी मुझे कभी कभी इतना इतनी बातें तो कभी नहीं करता था जिंदगी में कि मुझे भूल जाते हैं नहीं, आप काफी बातें करते ये, अच्छा पहले भी जी यार फिर ये सही कर रहा हूँ ना फिर मैं शो कर रहा हूँ जरा सारी बातों की वेल वी कैन टेक अ ब्रेक यू कैन ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग द शो एज वेल बट हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं पहले अर्जुमन जाएंगी क्यों कहाँ जा रही है सवेरा घबरा रही है ना वहाँ जाना अच्छा मैं चली जाती हूँ जाना कहाँ है ये सामने है और करना क्या है वहाँ जाकर यार अभी तो बताया गाइड करेंगे अच्छा चलो मैं जाती हूँ सवेरा जरा वो नंबर बताएगी सवेरा नंबर बताएंगे ओके बताइए सवेरा कोई नंबर 4 सवेरा इज टेकिंग दिस आल्सो वेरी सीरियस यू नो लाइक सो समझ के करूंगी मैं कुछ ये मुहावरा है हाँ बिल्कुल है हाँ. शुक्र है अर्जुन इसको वापस रख दो बहुत सा अंग्रेज लोग भी आता ना हमारे ये मुहावरा नहीं है मैं इतना अंग्रेज का बादशाह नहीं हूं ये मुहावरा है इट्स थ्री वर्ड्स फर्स्ट वर्ड बीमार नहीं एक अनार ये क्या नहीं ये क्या कर रही है उल्टी हाँ पहला लफ्ज है उल्टी लेकिन ये कह वाला उल्टी नहीं है ये दूसरा वाला उल्टी है उल्टी थर्ड वर्ड नदी हाँ, नदी में क्या बह रही है हाँ, उल्टी नदी हाँ, 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 उल्टी उल्टी सेकंड वर्ड हाँ, नदी उल्टी गंगा हाँ, हाँ, बहे हाँ, उल्टी गंगा बह रही है she got it. You have to do three, darling. I have to do yes, three. And then she'll do three. तो मेरे लिए बननी चाहिए जो मैं enact कर रही हूँ. seven. Seven is heaven. Yeah.
ओके देन, कहावत है इसको, मुहावरा भी है शायद, हाँ अपनी, हाँ अपनी, बिल्कुल सही, अपनी दूसरा वर्ड है, गिरे बाँ में जा तुम, नहीं चौथा वर्ड पहला था अपनी, दूसरा बता दो ना, दूसरा ये रास्ते में दूसरा वर्ड, हाँ अपनी, अपनी रास्ते, हाँ, रास्ते का और रास्ता, और रास्तों, और नहीं और कुछ नया, अच्छा राह नहीं और, अपनी राह सड़क भी होता है, हाँ और कुछ छोटी होती है गली, हाँ हाँ हाँ, हाँ देखा गली, थैंक यू बोलो मुझे, कितनी थैंक यू, अपनी गली, अपनी गली चौथा वर्ड, गली चौथा वर्ड नहीं तीसरा वर्ड करो ना, तीसरा वर्ड कैसे, तीसरा वर्ड ये करो, ये क्या अंग्रेजी, अच्छा हाँ that's right, अब मैं, हाँ हाँ इंग्लिश में क्या, हाँ हाँ ये बिल्कुल सही, अपनी गली में, अपनी गली में, अपनी गली में, यू गेटिंग माय पॉइंट्स नाउ, अच्छा ठीक है, अपनी गली में नाउ कौन है, अपनी गली में कौन है, कौन है अपनी, चेक करो अपनी गली में, हिरन नहीं, बकरा, आवाज निकाल सकते हो, रीछ, कुत्ता, अपनी गली में कुत्ता, कुत्ता अपनी गली में, कुत्ता मैंने कभी नहीं सुना, ये जुमला बड़ा मशहूर है वैसे, ओके अपनी गली में कुत्ता भौंके, नहीं अपनी गली में कुत्ता बोले भी, शेर होता है, yes! Yes! अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, एक्चुअली चार के बाद सवेरा यू शुड हैव गॉटन इट, अपनी गली में शेर की अगर राइटिंग होती तो क्या होती अर्जुन, शेर की मैं वही, सो आई वाज कमिंग टू दैट, मैं आवाज ही निकालती फिर और क्या करती, धारती फिर क्या आवाज, लाइक ऐसे करके मैं कुछ करती और क्या, शेर कैसे, अच्छा ओके चलो जी, तीसरा, तीसरा क्या, नंबर टू, वन 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 फिगर, ओके इट्स अ लॉट ऑफ, इट्स अ सॉन्ग and it's a How lot many of words sare sab sare log kaum well hum sab ne hum tum hum ka lab, one word, lamba lafz se aap aage hum hum se nahi hum sa ho to samne aaye nahi hum tum humne nahi hamari 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 se yes hamari ha agla next word hai यही था अगला वर्ड यही है हमारी ओके हमारी सांस हाँ हमारी सांसों में आज तक यस अब आइए बस चलें जी ब्रेक की तरफ एक तो करो अच्छा चलो एक तो करना पड़ेगा कर। मूड नहीं हो रहा ना चल के जाने का अगर पसंद नहीं आया तो दूसरा चुनो ठीक है जो मर्जी ठीक है तो फिर कोई भी चुन लो अगर हाँ, अगर यही कर मेरा लकी नंबर बताना थ्री नहीं हुआ था ना नहीं हुआ थ्री सॉन्ग है पांच छह सात आठ ये नहीं हाँ ठीक है पहला बेबी बच्चा माँ हाँ ममता हाँ नहीं मामी अम्मा हाँ अम्मा अम्मा दूसरा वर्ड अम्मा नजर अम्मा देख हाँ अम्मा देख ओ अम्मा देख मेरा मुंडा बिगड़ा जाए मुहावरा है पांच छह पहला फिर बच्चा बच्चा हाँ पहला बच्चा दूसरा दूसरा लफ्ज बच्चा बगल में ओ और ढंडोरा ढंडोरा शहर में शिको तुमने बताया क्या दैट वाज क्विक यार शी ऑलमोस्ट गॉट इट नो 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 बट बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में हां ढंडोरा शहर में यस ऑफ कोर्स आई नो दिस नहीं सुना मैंने ये वाला नहीं सुना तोहफा मेरा हुआ ये तो बड़ा आसान था वेयर इज आवर हैम्पर नहीं वैसे आसान नहीं था ये एक्चुअली ये वाला सेगमेंट जो लोगों का ना सबसे फेवरेट है बिकॉज़ समहाउ दे हैव नेवर सीन पीपल
एक्टिंग ऑन महावरास और सॉन्ग्स यू नो सो इट्स देयर दी कभी कभी गाने चल जाते हैं ना तो उस पर थोड़ा सा डांस भी लोग कर लेते हैं तो और मजा आता है। नहीं नहीं आप इस तरफ ना देखिए। नहीं हम बिल्कुल नहीं चला रहे आपके लिए गाने। लेकिन हम जाएंगे ब्रेक पे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। मेरे साथ रहिए, देख लीजिए बोल नाइट्स विद एहसन खान। आइए आइए, वेलकम बैक सवेरा और अर्जुन, कैसी आप दोनों? ठीक है, खैरियत से? यस यस ओके। आई हैवंट मेड अप माय माइंड यट। ओके, यू हैवंट, यू डू थिंकिंग। ओके ओके, यस और नो, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा सच्ची बोलेंगे सब लोग। आप एक सवाल पूछेंगे हाँ, और हम दोनों ने साइमल्टेनियसली जवाब देना है। साइमल्टेनियसली? अच्छा हां, साइमल्टेनियसली आंसर कर लीजिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज के कभी किसी को गाड़ी मारी, किसी गाड़ी को, और फिर भाग गए वहां से, ऐसा हुआ? नो नो नेवर। कभी लगी तो होगी ना गाड़ी हाँ, और फिर रुक गए? नहीं हाँ, और मुझे बहुत लोग इस तरह मार के भाग गए हाँ, कभी वापस आई बैठे गई, रोकती रह गई, सुनिए रुक की ना जाए, लोग रुक की ना जाए, सुनिए सुनिए कहने पे। अच्छा कभी ऐसे भी तो ना कि आप बाहर निकले और गाड़ी आपकी लगी हुई है या ठुकी हुई है? वो मेरे साथ हो चुका है, शीशे भी गायब है। ऑफ दैट्स ऑफुल, दैट्स ऑफुल। अच्छा कभी अपने टेलर से या डिजाइनर से बहुत लड़ाई हुई? बहुत क्या होता है, जिसको भी कंसिडर कर लो बहुत ज्यादा, यानी हाँ थोड़ी सी लड़ाई, चलो थोड़ी सी हुई हुई टाइम पे कपड़े दिए उसने खराब कर दिए, खराब लड़कियों वाली जो एक नो नो आई टेल यू एन इंसिडेंट। हमारा एक 1999 में आई थिंक डांस फेस्टिवल था कराची में, एंड वी वर परफॉर्मिंग एंड अपने घटापा के साथ और सारा ट्रूप, और हमारी कॉस्ट्यूम्स, वो टेलर हमें कहता रहा अब आज शाम शो है, एक घंटे में आ रहा हूँ, एक घंटे में आ रहा हूँ, शो का टाइम हो गया और नहीं आया और वो कॉस्ट्यूम्स नहीं आई, तो हमें क्या किया उसको एंड वक्त पे, लाइक लिटरली हाफ एन आवर बिफोर वी आर ड्यू टू गो ऑन, और हमारी परफॉर्मेंस भी हमारे जहन में थी ना कि ये पहनावा होगा तो ये यूं इस्तेमाल होगा कपड़ा, वो नहीं आई, सो वी हैड टू डिग अप आवर ओल्ड कॉस्ट्यूम्स, जल्दी जल्दी उन पे इस्त्री मारी और वो लेकर गए। सो उस दफा तो आई, इसीलिए एक दिन पहले ड्रेस रिहर्सल होती है हाँ. नहीं वो हमें एन वक्त तक ले जाता रहा ना कि नहीं बस अभी अभी मैं होने ही आया। सो एनीवे, कभी किसी को झूठ मूठ कहा? आप बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। झूठ मूठ के बड़े अच्छे लगते हैं हाँ, यानी कि ऐसी किसी की तारीफ कर दी हाँ, ऐसे तो दिल मतलब अच्छा नहीं भी लग रहा को मना लिया कि चलो अच्छा कोई पॉजिटिव पॉइंट होगा, कोई तो होगा पॉजिटिव पॉइंट। अच्छा ये वैसे अजीब सी बात है यार। अच्छा जी कभी शूटिंग छोड़ के गई? क्या मतलब? नाराज होके गुस्से में हाँ दोनों लेकिन मैं वापस भी आ गया। क्या वजह क्या थी? किसी ने सेट पे गाली दे दी। एंड आपकी वजह? आई थिंक मेरी पेमेंट नहीं आई थी जो प्रॉमिस थी और मतलब वो मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि अब ये हो गया था कि वो अब आ रहा है और ये, वो तो मल्टीपल मिसकमिटमेंट हुई थी। तो अगला सवाल यही था कि कभी प्रोडक्शन से पेमेंट खाई या मारी? मतलब हमने नहीं, उन्होंने उन्होंने हाँ यस नो एंड यस ओके, मतलब बहुत छोटी सी बात थी बट किया उन्होंने, किया जरूर हुआ है ओके। कभी सिग्नल तोड़ा? कितने सच्चे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, यहाँ पे जो भी आता है वो यस ही बोलता है इस बार, वो यस ही बोलता है। अच्छा वैसे ही कभी रात लेट नाइट या दिन में भी कभी तोड़ दिया? हाँ हाँ अच्छा कल बेख्याली में हुआ है मुझसे, और वो सामने ट्रैफिक कॉप खड़ा था हाँ, तीन तलवार पे हाँ, और मैं मुड़ रही थी, मुझे नोमी अंसारी के यहाँ जाना था, तो उसने फौरन पकड़ लिया और मुझे पता भी नहीं चला, मेरे साथ मेरी कजिन बैठी हुई थी, वी वर टॉकिंग, सो मैंने कहा नहीं नहीं देखिए ये हो नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, आप देखिए मैंने अपनी सीट बेल्ट भी बांधी हुई है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये सर नहीं मैडम आपने, तो मैंने उनसे भाई भाई करके बात की, तो उन्होंने कहा वैसे आपका 500 रुपए का चालान तो होगा, ऐसे चलिए ले लीजिए। मैं निकालने लगी तो उन्होंने कहा आपने आपने मुझे भाई कहा है तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ। अच्छा आदमी था। कभी किसी मॉल में, सिनेमा में, कहीं पे गलती से गलत वॉशरूम में चले गए?
इतना सोचा यार, कभी भी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, कोई पागल नहीं है हम, मतलब आप मतलब एक दो लड़के से मतलब लड़कों के साथ हो चुका है ये कि गलती से हाउ कन्वीनिएंट के गलती से पहुंच गए। ओह यस, हाउ कन्वीनिएंट, तो आपसे तो गलती हो गई, सॉरी। ठीक है जी। अच्छा, कभी ऑन सेट किसी एक्ट्रेस से थोड़ी सी रिफ्ट चल रही हो थ्रू आउट, ऐसा हुआ है कभी कहीं पे इशू आया हो शूटिंग के दौरान फीमेल आपकी मुसलसल या कभी थोड़ी बहुत वन ऑफ एक आधे सीन में या कुछ? अच्छा नहीं, ओके, एंड व्हाई? मैं इतना इंटरेक्ट नहीं करती किसी, एक्चुअली हां, यू स्टे अलूफ, यू लुक हैवी, या आई थिंक देयर हैव बीन टाइम्स एंड आई हैव बीन इरिटेटेड फॉर अ लॉन्ग कंसर्टेड पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट इरिटेट्स यू? यू नो व्हेन सब तैयार है और बार बार कोई बुला रहा है कि जी एक्ट करो और वो उनके बाल नहीं बन के दे रहे और वो लास्ट और वो अभी खाना खा रही हैं एंड बहुत चिल माहौल में, ये नहीं कि सब खड़े हुए हैं, लाइट्स भी रेडी है, लाइट्स भी रेडी, एंड दिस वो नहीं, फोन पे लगे हुए हैं आप, तो दूसरों का वक्त जाया, आपके खुद का वक्त जाया, आई जस्ट फाइंड इट वेरी बदतमीज। हां, ये वाली इरिटेशन इन द यंगर जनरेशन आई फाइंड, आई एम इन द ओल्डर लॉट कम है ये, एंड इन द बिल्कुल अब जो नए हैं पिछले 4-5-6 सालों में जो अब माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, बट द एटीट्यूड थोड़ा सा कैजुअल है सेट पे, यू नो, ट्रीटिंग हाउ टू ट्रीट अदर पीपल and your seniors and you and the people around you, it's not just co-actors, aapka crew hota hai, haan wo sab log yaar garmi mein haan bechare ghante se taiyar baithe hain, director aapka set pe baitha hai aur aap keh rahe hain haan kya ho main aa rahi hu yaar, haan khana hi to kha rahi hu, 10 minute ruk jaye, ye casual attitude theek nahi hota, thoda matlab you have to, you know, you bothered about, lekin main express kar deti hu, then I just tell, I also said out loud, kabhi kya baat hai, एक तो मैं नॉन कॉन्फ्रेंटेशनल हूँ और ये भी मैंने एक बात नोटिस की है कि हमारी जनरेशन में और हमसे बाद भी जो कुछ लोग आए वो तो फिर भी आदत ही दूसरों की सुनने की और बड़ों का जरा सा रोब और जरा सा डर और खौफ, लेकिन अब जो हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो तड़ाक करके आपको वापस जवाब भी दे देंगे, तो आपकी वही वाली बात, आपकी इज्जत आप अपने हाथ में होती है, यू डोंट वांट टू, मैं तो इसी जनरेशन का हूं लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं तो बहुत, या बट यू डोंट वांट टू कन्फ्रंट समवन, यू वुड गिव अ व्हाई व्हाई वुड यू कन्फ्रंट जवाब दिया है, नो ओके, नो, सो इट्स फाइन, ही इज फाइन विद इट, लाइक अगर ऐसे मुझे कोई जवाब दे दे तो मुझे अच्छा ना लगे, आई एम नॉट फाइन विद इट, हां पर मुझे, आई एम नॉट कॉन्फ्रंटेशनल, आई डोंट वांट टू हैव दैट फाइट और आई वुड लव इट, तब सर हो गया दोनों का, कभी मैं रुक जाओ फिर, दे दियो और, नहीं नहीं आप यू कैन कैरी ऑन। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जैसे अभी शूटिंग है, कल सुबह शूटिंग है और कोई बहाना बना दिया झूठा कि नहीं मूड होगा जाने का या डिले का? हाँ, बहुत कम होता है, लेकिन होता है, हुआ है कभी कभार, हाँ, बट मैं बड़ा खराब है, मैं बता देती हूँ, हाँ, I would rather prepare in advance, I mean, you get up in the morning, maybe you're not, you one feels a little low और दिल नहीं कर रहा, तो मतलब दो घंटे का डिले कर दो, हाँ, तो वो तो हम सब request तो करते ही, इतना तो प्लीज, इज इट पॉसिबल कि मैं जरा लेट आ जाऊँ, तुम भी करते हो गए ऐसे, हाँ, लेकिन मैं डायरेक्टर से क्योंकि इतनी वो दोस्ती, मैं पहले दिन से ही एक डायरेक्टर के साथ बहुत दोस्ती कर लेता हूँ, उसको सच बता पाता हूँ यार आज थोड़ा ये हो रहा है तो जरा देख लें, और डायरेक्टर्स यूजुअली देयर सो लाइक वो किसी और का सीन प्लान कर लेते हैं, या वो अगर नहीं होता तो फिर वो बताते हैं कि भाई आपके बगैर कोई काम नहीं है, ठीक है। कभी किसी को प्रैंक कॉल किया है? अभी नहीं, कभी पहले साल पहले की होगी यार, वो पकड़ी जाती थी ना आवाज, मुझसे नहीं होता है, आई एम अ वेरी बैड एक्टर इन रियल लाइफ, ओके। अच्छा, आप मैं तो बहुत किया, किसको करते बचपन, चलो नहीं है बचपन में ना, ऐसे ऐसे नंबर डाल के या कोई स्पेसिफिक नंबर ढूंढो, सम टाइम्स स्पेसिफिक दोस्तों को, यू नो, टीज करना और उनको, यू नो, लड़के कोई फ्रेंड्स थे उनको बताना कि यू नो फलां लड़के बड़ा तुम्हें प्यार करती है, तुम फलां जगह आके मिल लो उसे, यू नो, जस्ट स्टफ लाइक दैट, सिली। कभी किसी को मैसेज करना हो और उसी की कोई बुराई करनी हो और उसी को चला गया? I think once it's happened to me, yeah. In a work situation, in a professional situation, no. And that person, have you also done that? कुछ इस type की चीज़ हुई थी कि मैं किसी को भेज रही थी message कि this person is just, you know, insufferable. और उसी को भेज दिया, उसी को चला गया, क्योंकि उस end में वो उसका नाम होता है ना जिसकी आप बुराई कर रहे होते हैं. Technology is dangerous, हाँ. तो उसका कोई reaction, मतलब खामोशी, silence.
नहीं उसका फिर मैंने क्योंकि हम सारे बैठे हुए थे तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड जिसको मैं मैसेज किया थी, मैंने उसका फोन लेके तो डिलीट कर दो मैसेज। हाँ ये अगली भी पूरी तैयारी है कि इससे पहले कि वो देखे डिलीट कर। अब तो व्हाट्सएप पे ही हो गया ना कि यू कैन सेंड इट एंड डिलीट इट, बट अगर उन्होंने पढ़ लिया तो इट्स गोन, इट्स ओवर, तीर कमान से निकल चुका। ठीक है जी। अच्छा अपनी इसी फील्ड में कभी कोई बहुत अच्छा लगा हो, मतलब इस सेंस में कि यार ये को एक्टर बड़ा प्यारा, रोमांटिकली हाँ स्लाइटली आई मीन यू नो इन दैट वे कि यार बड़ा नेवर यार कितनी डिसअपॉइंटमेंट है, इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया कोई अच्छा ही लगे कभी? नहीं तो दोस्तियां सबसे हैं, बहुत प्यार है। आई मीन कम ऑन हू एग्जांपल दो, कौन हो सकता है ऐसा? ये हो सकता है यार, मुझे चॉइसेस तो नहीं पता क्या है। आप आपके सामने सारी चॉइसेस आप नहीं, योर चॉइस कौन एलिजिबल है यार? सारे हीरो हीरो अच्छे हैं, एलिजिबल ही सेम कि बस आपको पसंद आ गया हो, एलिजिबल उसका होना जरूरी नहीं है। आप दिल ही दिल में हाँ, नहीं हुआ कभी, लेकिन ये ऐसे ही बोल रही हैं कभी तो कोई तो अच्छा लगा एक्टर्स के साथ नहीं। अच्छा समहाउ ये ऑल फ्रेंड्स सबके साथ दोस्ती बहुत है, आई डोंट गेस इट्स सस्पिशियस, बोरिंग यार, हाउ बोरिंग, दिस इज बोरिंग मैन। ओके ठीक है जी। कभी किसी ने फ्रॉड किया प्ले के बहाने से या किसी शो के बहाने से या कहीं पे कुछ इस तरह का फ्रॉड हो गया हो, पैसे देने के बहाने से कोई फ्रॉड कर दिया हो, चेक बाउंस हो गया किसी का? किया? नहीं हुआ? ये पहले होता था, अब तो शायद ये नहीं पॉसिबल। एक दो साल पहले किया, फोन पे हुआ, रीसेंट, दे प्रटेंडेड टू बी समबडी एल्स, लंबी बात की, उस लंबी बात के अंदर उन्होंने कुछ अजीब सी बातें जब शुरू कर दी ना तो मैंने स्पीकर ऑन करके अपने हस्बैंड को सुना दी, उसने कहा काटो ये तो पता नहीं कौन लोग कौन लोग। अच्छा जी ये बताइए कि कभी किसी महफिल में कहीं शादी पे या किसी इवेंट पे बड़े जबरदस्त कपड़े पहने और फुल तैयार और गिर गए या कंट्रोल नहीं हुआ, बस ऐसा कुछ हो गया? कोई फिल्म का स्क्रिप्ट है क्या? सोचो। नहीं, दूसरों के साथ होते हुए देखा है, खुद के साथ इतने लोग? अच्छा शुक्र है नहीं हुआ, शुक्र है सीढ़ियों वीडियो से ऐसा हुआ नहीं। मेरी सीढ़ियों से चल चल मैं अभी बहुत डरी भी आई हूं वैसे नीचे। मैं पहले मैं यहां बैठा डर होता कि यार हील्स भी, आई वाज इन हील्स एंड एंड क्योंकि लड़कियों ने हील पहनी थी तो मुझे होता कि यार जरा पकड़ पकड़ के आ जाए तो बेहतर है, स्टाइल लाइन मारे तो ज्यादा अच्छा, बिकॉज़ वो रिकॉर्ड हो रहा होता है फॉरएवर। अच्छा जी कभी ऐसा हुआ ये सोचा कि अब बस फील्ड को पैकअप करके मैं छोड़ दूं? मुझे नहीं करना चाहिए, सारे ही तो ऐसे किए हैं जो बेचारी मतलब तरस ही परेशान जो रहती है, परेशान रहती है वो वाली लड़की जो हर वक्त परेशान रहती है, मेरा ये लकब है। अभी भी हैवान में एक सीन था ना, बड़ा हैवी सीन था यार, वो जो पानी का एक वो बनता है और उसके अंदर यू एंड सनम एंड या, मैं सोच रहा था कि सारी दुनिया की परेशानी इसी बेचारी लड़की पे और उसी बच्ची पे आ गई सारी। अच्छा कभी ऐसा नहीं किया कि पछताना पड़े? नो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद माय चॉइसेस एंड इवन, बल्कि बहुत सी चॉइसेस तो मेरी ऐसी हो गई जिनमें बल्कि मुझे इतनी तवक्को भी नहीं थी, बट वो ड्रामे बहुत मकबूल हुए और पसंद किए गए। तो ऐसा भी हुआ कि बिल्कुल उलट, मैंने बहुत लाइटली कर लिया कोई प्रोजेक्ट लेकिन वो क्लिक कर गया, सो टू स्पीक। सो ऐसा हुआ है बट आई थिंक उल्टा नहीं हुआ। बिल्कुल सही। चलिए ये सेगमेंट तो तकरीबन मजे का हो गया है, लेकिन एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, कोई ऐसे एक्टर्स यू फील जो बहुत अंडररेटेड हैं, जिनको बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए था, नजर आना चाहिए था, कोई हैं ऐसे नाम? बहुत just across the board, you know, there are a lot of young faces actually right now. I feel ek for instance ab naam lena actually acha nahi shayad lagega na ki main samajh rahi hu ki wo underrated hain ya aur wo apne aap ko nahi underrated aur wo apne aap ko agar underrated samajh rahe ho ya industry mein, if you want, if you feel that they should be seen more, they should be doing more and they should be praised more also for their work, they deserve it. There are many people frankly yeah, but I'm not comfortable taking names because wohi wali baat ke शायद वो इस वक्त किसी अपनी जिंदगी के ऐसे दौर से गुजरे हैं, उनको शायद कुछ टर्न अराउंड हो जाए तो ये फिर एक बात खामखाम एक नेगेटिव बात। सवेरा हम ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि सवेरा बहुत सोच रही है, सोच में पड़ी। अच्छा नहीं है ऐसा, नहीं ज़हन में आ रहा कोई? पुराने लोगों में आता है ज़हन में कि बहुत अच्छे अच्छे हमारे एक्टर्स थे जो आगे फिर उनको और काम मिलना चाहिए था, लाइक आई मीन इवन
I would say कि आबिद अली मरहूम साहब जो हैं उनके अंदर बहुत अभी बहुत कुछ था करने के लिए उनके अंदर. ही वॉज रियली टैलेंटेड बट इट वॉज रियली अप्रिशिएटेड आई फील. A lot of actors, Firdaus Jamal, for instance, he didn't get as many characters as he could do. He's a really brilliant actor. He's a wonderful actor. Itne versatile hai. Aur Akbar Subhani jaise ya Akbar Subhani certainly absolute. Sohail Asghar, yes. ये हमारे बहुत अच्छे बहुत genuinely talented लोग हैं जिनको और characters मिल सकते हैं. Females कम हैं क्या? Females वैसे ही नाम कम है हमारे ज़हन में. हाँ, है ना? नाम कम है. बिल्कुल सही है जी. आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा. वेलकम बैक. और मुझे लगता है कि हम ब्रेक पे जाने के बाद ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें कर रहे होते हैं. पता नहीं क्यों, क्या मसला है? नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी. अच्छा, अब वो टाइम खत्म हो गया यार, मुझे तो पता नहीं चला बातें करते हुए. ऑनेस्टली जस्ट हमारे साथ तो फिर यही होता है, टाइम को पता ही नहीं. हाँ, ये है. अच्छा, एक तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आप दोनों का फॉर बीइंग ऑन द शो. एंड यू बोथ आर थैंक यू फॉर कॉलिंग अस. या नो, इट्स अ वेरी प्लेजर. एंड यू बोथ आर वेरी वेरी टैलेंटेड एंड आई वुड जस्ट लव टू सी यू मोर एंड मोर ऑन टीवी. यू नो, जैसे सवेरा का काम, अभी एक बार से कमर्शियल आया था उसमें भी मुझे सवेरा स्टैंड आउट कर रही है. मुझे लग रहा है कितना अच्छा काम करती हैं. एंड यू आल्सो, आई मीन आई फील दैट यू गाइस शुड कम मोर ऑन स्क्रीन. टाइम गुजर जाता है, काम ज्यादा होना चाहिए. देखो, काबिल होगा या उतना ही उसको मिलेगा जितना उसकी अपॉर्चुनिटीज. बहुत से एक्टर्स इस तरह से बेचारे इसी तरह रह भी गए क्योंकि उनको वो मौके नहीं मिले, नहीं मिले. और कुछ को वो किस्मत आई फील है एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एक्टर की जिंदगी में कि आप सही वक्त पे सही जगह पे और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो ऑब्वियसली आप यू विल शाइन. बट अपॉर्चुनिटी ही नहीं जब आपको मिलेगी तो आप शाइन कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? सही, बिल्कुल सही, आई एग्री. और आप तो बच्चों में बिजी हैं. नहीं, साथ साथ सब कुछ चल जाता है. सही है. सो इट्स यू कैन मैनेज थिंग्स इफ यू हैव रियली गुड सेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट जो कि सीखनी पड़ती है. हां, आफ्टर सीखनी पड़ी है तो आप कर लेते हो. हु टेक्स केयर ऑफ द किड्स व्हेन यू आर एट वर्क? एंड वेल, देयर फादर इज वेरी हैंड्स ऑन एंड माय मदर इन लॉ इज वेरी हैंड्स ऑन. बस हमने अपना सिस्टम काफी वो किया. मैं पता है क्या, आई हैव प्लान्ड माय टाइम इन सच वे. एक तो बच्चे अपनी रूटीन में होते हैं व्हेन दे कम बैक फ्रॉम स्कूल. आई ट्राई टू बी होम कि मैं शूट के बीच में से एक आध घंटा आ जाती हूँ उनको सेट ताकि उनको नजर आ जाए. हाँ, फिर सुबह मैं पूरा वक्त उनके साथ होती हूँ और वो शाम को जल्दी सो जाते हैं तो इतना वो फील नहीं करते हैं. Wonderful. So, and then you work less also, ना कभी बीच में एक दो. अब आप कह रहे हैं काम ज़्यादा करें. मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ. ऐसा डिसाइड कर लें आप क्या कह रहे हैं. मैं तो honestly, नहीं, ये खुद मैं कह रहा हूँ, ये खुद काम कम करती है. लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं हमारे पाकिस्तान में तो इतने एक्टर्स जैसे आपने बात की, मुझे तो लगता है कि टाइम इतनी जल्दी गुजरता है और फिर वो टाइम वापस नहीं आता. और एक्टर्स को यूटिलाइज करना चाहिए वो टाइम भी और अपना आप भी और लोगों को भी उनको दिखा देना चाहिए अपना. एंड आई थिंक अभी पाकिस्तान में दिस इज द टाइम फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द मीडिया बिकॉज इट्स गोना यू नो फर्दर और ओपन अप होगा और अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह. जबरदस्त इंशाल्लाह. जाते जाते जो एक कोई बात ऐसी होती है जो यू थिंक दैट यू हैव टू से समथिंग. आई लाइक योर हेयर. यस, एक्चुअली द स्टाइल और द मसाला, द थिकनेस ऑफ इट आल्सो, द वॉल्यूम, 3 inches जो मिल गए उसकी वजह से. और दैट्स व्हाट वी लीव यू विद. Okay. Unexpected comment. Yeah, okay, cool. Thank you very much. What about you? Do you want to say something? She always wants, she has so much to say all the time. No, know? I just, these days I'm working a lot with animals and, you know, jo hum ye dog culling ek chal rahi hai all over the city. Aur ek rabies ka, to rabies ka drive start ho gaya hai and wo kar rahe hain, usko manage kar rahe hain. Main sirf ye kehna chahungi ki jo bhi government authorities agar dekh rahi hain aur jo log isse munsalik hain, कि ये कलिंग जो है ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है. सो इसको अवॉइड हम कर सकते हैं. देर आर सो मेनी TNR, ट्रैप न्यूटर रिलीज, ये होता है बेसिकली सिस्टम किसी भी सिविलाइज्ड फॉर्म में. आप टर्की चले जाइए, आप मुख्तलिफ ममालिक इंडिया तक चले जाइए, आप देखेंगे कि वहाँ पर वो जानवरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं और वो स्ट्रे पॉपुलेशन भी आपकी फ्रेंडली रहती है. टर्की में तो डॉग्स एंड कैट्स आर लाइक वो ऐसे जैसे आप में होते हैं और इतने हेल्दी कि आप उनको देख के परेशान होते हैं. तमाम सोसाइटी जो है उनको खिलाती है पिलाती है. बेसिकली आप कहना चाह रही कि जानवरों के
इंसानों के साथ तो करें, जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करें, क्योंकि जो कि कहीं और से पहले हमें सिखाया गया है, हमारे दीन में सबसे पहले सिखाया गया है। सो उनके भी राइट्स हैं, उनके भी दिल हैं, उनके फीलिंग्स हैं, बिल्कुल सही। वी शुड थिंक अबाउट दैट कि यू नो हम बहुत बेहिस होते जा रहे हैं। सो अगर आप कहीं देखते हैं, आप कहीं पानी छोड़ दीजिए किसी के लिए, कहीं बाजरा छोड़ दीजिए किसी के लिए, आप किसी की शायद जान बचा रहे होंगे एंड उसका सवाब आपको मिलेगा। बिल्कुल सही। ट्राई, इसमें तो इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस भी कैन गेट यू समवेयर। बिल्कुल सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटे छोटे कहने को है लेकिन इट मैटर अ लॉट। सही है, बस सही है, सही है, उनसे पूछो, बिल्कुल सही है, बस खत्म। देखिए कोई बात और, एक फिर मिलेंगे, कोई प्ले में मिलते हैं, ठीक है, ओके डन। और थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल द लक टू यू बोथ। थैंक यू, योर बेस्ट विशेस टू योर फैमिलीज एंड स्टे हैप्पी हेल्दी ऑलवेज। जी जनाब, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।